मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि ये पार्क हिमाचल के विकास में एक मील पत्थर साबित होगा और इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस उपसमिति ने फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1970 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। इसे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ने विस्तृत जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो है जो मील का पत्थर साबित होगा ऐसा बल्क ड्रग पार्क केंद्रीय सरकार द्वारा जो दिया गया है उसके लिए मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। आज मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं आयुष विभाग में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो रिक्रूट करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से होंगे 68 पद जो है वो स्वीकार किए हैं। जो डायरेक्टर बेसिस पर होंगे टोटल 98 हैं, 98 में से 68 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिमेनिंग बैच वाइज बेसिस पर लगेंगे। तो जो बैकलॉग था इस श्रेणी का वो इसमें जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आयुष विभाग को जो है वो डॉक्टर्स भी जो है वो अवेलेबल होंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट सब कमेटी काफी समय पहले जो है बनाई थी। श्री महेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री उसके अध्यक्ष थे। मुझे और गोविंद ठाकुर जी को जो है उसमें सदस्य के रूप में जो है वो कार्य सौंपा गया था। ये कमेटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के परव्यू में जो कुछ एरियाज आते हैं, क्षेत्र आते हैं, जो शायद कई स्थानों पर जो है वो बिना सोचे समझे गांव के अंदर जो है वो टीसीपी में डाल दिए गए थे, उन क्षेत्रों के जो नागरिक हैं उनकी इस बारे में जो है वो बहुत सारी रिजर्वेशंस थी और रिजेंटमेंट थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी भी बनाई थी। इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो आज कैबिनेट को सौंप दी गई, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो रिकमेंडेशन है कि जो फोर लेन सड़कें हैं उससे 50 मीटर से बाहर का क्षेत्र नेशनल हाईवे के 30 मीटर का स्क्वायर मीटर का क्षेत्र
और डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या दूसरे रोड से 10 मीटर के क्षेत्र से जो बाहर एरियाज हैं, और जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए थे, उनको जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के परव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा।